Hello students. Continuing with your English period. Beta we are going to do worksheet 47, exercise number B. Let us proceed. Fill in the blanks using for and from. Now in this exercise, we are having two prepositions for and from. Let us discuss the meaning of these prepositions first. For word means liye. Is it okay for you, for me, for whom? यू आर ब्रिंगिंग दिज बुक्स फॉर होम इज इट ओके एंड फ्रॉम फ्रॉम होता है से आप किसी से चीज़ लाए हैं से इज़ इट ओके आई हैव ब्रॉट दिज स्वीट फ्राम द मार्केट नेक्स्ट इज लेट स्टार्ट अवर वेरी फर्स्ट सेंटेंस चंदन ब्रॉट दिस बुक डैश यू फ्राम मैनचेस्टर कहता है चंदन ने ये बुक खरीदी थी डैश यू तुम्हारे लिए सो द प्रपोजिशन विल कम फॉर यू और कहाँ से खरीदी थी बेटा कहाँ से अब से वर्ड आ गया ना कहाँ से खरीदी थी फ्रॉम मैनचेस्टर इज इट ओके एट नंबर टू आई हैव ब्रॉड दीज पेन्स डैश मार्केट कहता है कि मैंने ये पेन कहाँ से ख़रीदे हैं अफकोर्स फ्राम मार्केट फ्रॉम मार्केट आई हैव ब्रॉड दीज पेन्स फ्रॉम मार्किट स्पेशली डैश यू और ख़ास तौर पर किसके लिए ख़रीदे हैं फॉर यू तुम्हारे लिए नेक्स्ट इज रिधिमा स्टडीज डैश मॉर्निंग टू इवनिंग अब रिधिमा ने पढ़ाई की है कब से कब तक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सुबह से लेकर शाम तक उसने पढ़ाई की है डैश हर एग्जामिनेशंस किस लिए उसने पढ़ाई की है फॉर हर एग्जामिनेशंस जैसे स्टूडेंट्स आप करते हैं ना आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप करते हैं सुबह से शाम तक पढ़ाई सिमिलरली रिधिमा ड नेक्स्ट इज डैश वॉचिंग द मूवी यू हैव टू सिट हेयर डैश टेन ए एम टू ट्वेल्व थर्टी पी एम कहते हैं आपको यहाँ मूवी देखने के लिए डैश वॉचिंग द मूवी फॉर वॉचिंग द मूवी वॉट डू वी डू वी विल राइट हेयर प्रपोजिशन फॉर फॉर वॉचिंग द मूवी यू हैव टू सिट हेयर कब से कब तक बैठना पड़ेगा आपको फ्रॉम सुबह के दस बजे से दोपहर के साढ़े बारह बजे तक from 10 am to 12:30 pm is it okay i hope again that this exercise is under your control just revise the meaning of the prepositions for and from and try to do it by your own thank you students have a good day